हेलो फ्रेंड्स, अब इस पोएम के सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट हम एक्सप्लेनेशन को पढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगता है। इसका स्टैंजा है, श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड द मैप ऑफ वेड एग्जाम्पल विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील फॉर लिव्स दैट स्लाइली टर्न इन दियर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। पोइट कहना चाहता है इस चार लाइनों में कि शेक्सपियर की कहानियाँ बहुत खूबसूरत लगती हैं, लेकिन वो इन बच्चों को कोई इंटरेस्ट पैदा नहीं करा सकती, क्योंकि उन कहानियों में जो खूबसूरती है, जो राजा महाराजा हैं, महल है और उनके बेहतरीन ड्रेसेस हैं, हीरे जवाहरात हैं, इन बच्चों को ये सिर्फ ख्वाब लगते हैं, हकीकत नहीं। फिर वो कह रहा है मैप भी एक बैड एग्जांपल है। हम दुनिया दिखा रहे हैं किसी क्लास में जाकर बच्चों को, देखो बेटा ये अमेरिका है, ये ब्रिटेन है, जापान है, जर्मनी है। जिन बच्चों ने इस गांव से निकलकर बाहर का शहर नहीं देखा, शहर से निकलकर बाहर का राज्य नहीं देखा, राज्य से निकलकर देश नहीं देखा, हम उनसे दुनिया की बातें कुछ वैसी ही कर रहे हैं कि जिसने सुबह से चाय ना पी हो हम उससे डिनर की बात करें। यू गॉट द पॉइंट, ओके। तो ऐसे भी कहता है कि ये जहाज़ों की बातें, सूरज की बातें, ये सब बातें, ये खूबसूरत दुनिया की बातें, लग्जरी की बातें ही इन बच्चों को उन चीज़ों को छीनने को विवश करती हैं जो ये पा सकते थे अगर इन्हें अलग तरह से इंस्पायर किया जाता। ऑन दियर स्लैग हीप दी चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप थ्रो बाई बोन्स एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स। फिर क्या कहता है पोइट कि ये जो बच्चे हैं इनकी हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं इनकी खाल से, क्योंकि अंदर मांस नहीं है, गोश्त फ्लैश नहीं है, हड्डियों के ऊपर एक लेयर है सिर्फ खाल की। तो भूखे हैं, प्यासे हैं, इनके चश्मे स्टील के हैं, टूटे हुए हैं, शीशे भी चटके हुए हैं, क्या देख रहे हैं इनसे, ऐसा लगता है जैसे पत्थर पर शीशे की बोतल गिर के टूट गई हो और कांच बिखर गया हो, ऐसे इनका भाग, इनका भविष्य बिखरा हुआ है ज़मीन पे। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेयर फॉगी स्लम, इनका समय, इनका सब कुछ फॉगी है, सब पे धुंध छाई हुई है। सो ब्लॉट देयर मैथ स्लम्स एज बिग एज डूम। पोइट कहता है इन नक्शों के ऊपर से इन सब चीज़ों को इरेज कर दो, मिटा दो, क्योंकि नक्शों पर जितनी खूबसूरती दिखाई देगी, चाहे बड़े बड़े शहरों की, बड़े बड़े पहाड़ों की, झरनों की, नदियों की, ये खूबसूरती इन लोगों को चैन से जीने नहीं दे। लेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स दियर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन दियर लिप्स लाइक कैटाकॉम्ब्स। जब तक गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर की ये मैप, जब तक इनकी खिड़कियाँ नहीं बनेंगे, इन सबको इनकी विंडो बनना होगा जिसके जरिए ये दुनिया की सुंदरता को ना सिर्फ देखेंगे बल्कि उस सुंदरता को बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। दे विल नॉट जस्ट लुक व्हाट द ब्यूटी आउटसाइड ऑफ द विंडो, दे विल ट्राई टू बी द पार्ट ऑफ दैट ब्यूटी, दे विल ट्राई टू ऐड द ब्यूटी विद देयर ओन कैपेसिटीज। जब तक ये नहीं होगा इन पढ़ाई से, इन किताबों से इनका भला नहीं हो सकता, और इनकी ज़िंदगी कैटाकॉम्ब्स मतलब एक शमशान बन के रह जाएगी जहाँ पर लाशें दफन होती हैं और यहाँ इन बच्चों के ख्वाब दफन हो रहे हैं। सो इन स्कूल्स को, इस स्कूल को जिसकी बात हो रही है, पोइट एक कैटाकॉम्ब्स कह रहा है क्योंकि इनका भविष्य बन नहीं रहा है। इस पॉइंट को प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। जो स्कूल है, मंदिर है, एक बगिया है जहाँ पर पौधे बनते हैं, फूल खिलते हैं, यहाँ फूल नहीं खिल रहे हैं, यहाँ पर फूल मुरझा रहे हैं। जो पहले ही से मुरझाए हुए हैं उनको हम कैसे खिलाएं? इसलिए यहाँ पर इनके ख्वाब दफन हो रहे हैं, इनको दोबारा जिंदा करने की ज़रूरत है। ब्रेक को ब्रेक अपॉन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक दियर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट दियर टंग्स। इन बच्चों को इन बंदिशों से बाहर निकालकर, इन बेड़ियों को तोड़कर बाहर भेजा जाए कि शहर में जाएं, दुनिया में जाएं, दुनिया को दूर से देखें ना, एक बार फिर कहूँगा, दुनिया का हिस्सा बने और एक
सफल कामयाबी का किस्सा बने, वहाँ जाएं, उन मैदानों में जाएं, उन झरनों में जाएं, उन वादियों में जाएं, उन खूबसूरती को महसूस करें, उनके बारे में सिर्फ इन बेजान किताबों में पढ़ें ना, जस्ट गो देयर एंड एक्सपीरियंस द रियल ब्यूटी विच इज़ एवरीवेयर। और अपनी ज़ुबान से, अपने सेंसेस से, अपने हाथों से, पैरों से, आँखों से उन चीज़ों को फील करें। रन नेक्ड इन टू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लेवल्स अपॉन हिस्ट्री दियर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। और जिन किताबों को ये पढ़ रहे हैं उन किताबों को, उन कहानियों को ये खुद लिखें, इतिहास पढ़ें ना, इतिहास बनाएं। याद रखिए, इतिहास उन्हीं का होता है जिनकी ज़ुबान सूरज है, सूर्य है। इसका मतलब कि जिनके पास सोर्स ऑफ एनर्जी है, सन इज़ द सिंबल ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी, तो जिनकी ज़ुबान, जिनकी लैंग्वेज, जिनकी भाषा ये ऊर्जा है, जिनमें एनर्जी है, जिनमें खुद को जलाने की, खुद को गलाने की ताकत है, वही इतिहास बनाते हैं और उन्हीं का इतिहास लिखा जाता है। पोएम अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट सपोर्ट।